कि दोनों चीजें निराधार और तथ्यहीन है। भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत इस देश की जनता ने 2014 में भी दिया, 2019 में भी दिया। हम 10 साल से पूर्ण बहुमत के साथ की सरकार चला रहे हैं। हमने पूर्ण बहुमत का उपयोग कांग्रेस की तरह इमरजेंसी डालकर लोकतंत्र का गला घोंटने में नहीं किया। इमरजेंसी डालने के लिए, लोकसभा का टर्म एक्सटेंड करने के लिए, संविधान बदल करने में नहीं किया। हमने पूर्ण बहुमत का उपयोग धारा 370 को समाप्त करने में किया, ट्रिपल तलाक को समाप्त करने में किया, अंग्रेजों के कानून बदलकर भारतीय संस्कार और भारतीय पद्धति के कानून लाने में किया, कोरोना के खिलाफ लड़ने में किया, और जब कोर्ट से जनादेश मिल गया तो राम मंदिर के निर्माण में भी हमारी सरकार ने पूरी अनुकूल जमीन तैयार करने में अपनी भूमिका करी। कांग्रेस पार्टी एक झूठ फैलाकर जनता के बीच में भ्रांति पैदा करना चाहती है। मैं ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एसटी एससी ओबीसी के आरक्षण की समर्थक है और हमेशा इसके संरक्षक के रूप में अपनी भूमिका निभाएगी। ये बात नरेंद्र मोदी जी ने भी कई बार सार्वजनिक भाषणों में स्पष्ट की। एसटी एससी ओबीसी के आरक्षण में किसी एक राजनीतिक दल ने अगर डाका डाला है तो वो कांग्रेस पार्टी ने डाला है। सबसे पहले उन्होंने संयुक्त आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया, वो रिजर्वेशन के कारण ओबीसी का रिजर्वेशन कटा। उसके बाद में कर्नाटक में रातों रात कोई सर्वे के करे बगैर, पिछड़ापन तय करे बगैर सारे मुसलमानों को ओबीसी कैटेगरी में डालकर उनके लिए 4% का कोटा रिजर्व कर दिया। इससे भी पिछड़ा वर्ग का रिजर्वेशन कटा है। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से मानती है कि धर्म के आधार पर आरक्षण संविधान सम्मत नहीं है, गैर संवैधानिक है, और जब भी इन राज्यों में हमारे पास अधिकार आएगा हम इस धर्म के आधार पर लादे गए आरक्षण को समाप्त कर एसटी एससी और ओबीसी को हम न्याय दिलाने का काम करेंगे। मित्रों, उनकी हताशा निराशा इस स्तर पर पहुंच गई है कि उन्होंने मेरा और कुछ भाजपा नेताओं का फेक वीडियो बनाकर सबके बीच में सार्वजनिक किए। मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, इस कक्षा के व्यक्तियों ने भी इस फेक वीडियो को फॉरवर्ड करने का काम किया। अब स्पष्ट हो चुका है, सौभाग्य से मैं जो बोला था उसका भी रिकॉर्डिंग हुआ था, तो वो रिकॉर्ड हमने सबके सामने रखा। दूध का दूध पानी का पानी हो गया और आज कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता क्रिमिनल ऑफेंस को फेस कर रहे हैं। ये जो कृत्य है वो उनकी हताशा और निराशा का द्योतक है। जब से राहुल गांधी कांग्रेस की कमान संभाले हैं, राजनीति का स्तर नीचे 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 ले जाने का काम कर रहे हैं और ये इसका चरम। लोकसभा में चर्चा न हो देना, राज्यसभा में बहिष्कार करा देना, शोर शराबे करना और निराधार झूठ बोलकर प्रजा में भ्रांति फैलाने का काम लगातार उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी कर रही है। और मैं मानता हूं कि अब फेक वीडियो सर्कुलरेट कर फर्जी टाइप का जनसमर्थन प्राप्त करने का एक प्रयास ये बहुत निंदनीय है और भारतीय राजनीति में किसी प्रमुख दल के द्वारा कभी ऐसा नहीं किया गया। भाई और बहनों, मेरी आप सब से करबद्ध निवेदन है, सत्य को जनता तक पहुंचाइए,
जनता को गुमराह जो करना चाहते हैं उनको अपने सिद्धांतों के आधार पर, अपने कार्यक्रमों के आधार पर और अपने घोषणा पत्र के आधार पर चुनाव लड़ना चाहिए। फेक वीडियो सर्कुलेट कर नहीं, भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र को तोड़ मरोड़ कर जनता के बीच में झूठे तरीके से रखकर चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। एक मिनट के लिए ये वीडियो, दोनों ओरिजिनल वीडियो और फेक वीडियो, मैं आप सबके सामने रखना चाहूंगा, उसके बाद में आपसे सवाल जवाब लेंगे। धन्यवाद। मैं यहाँ कहकर चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी, आवाज भाई, तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। भाई फिर से करना पड़ेगा, आवाज नहीं है। तेलंगाना के मैं यहाँ कहकर जाता हूँ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी तो एक गैर, बंद करो भाई, आवाज ठीक करो, पहले सवाल जवाब कर लेते हैं बाद में वीडियो दिखाते हैं। वैसे आप सबने देखा हुआ ही है। आपने चुनी कहा कि जब से राहुल गांधी ने कांग्रेस की कमान संभाली है तो राजनीति का स्तर नीचे गिरता गया है। उनकी जो सीट थी राहुल गांधी की अमेठी, जहां से वो चुनाव लड़ते थे, और उनकी मां जहां से रायबरेली से चुनाव लड़ती थी, दोनों जगह से अभी तक उन्होंने कैंडिडेट भी नहीं दिए। और अब ये कहा जा रहा है, सूचना आ रही है कि दोनों लोग अब चुनाव भी नहीं लड़ेंगे, दोनों सीट में ना राहुल लड़ेंगे ना प्रियंका, इसे आप किस रूप में देखते हैं? देखिए मुझे मालूम नहीं है, अभी रहने दो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी बंद करो भाई, तो एक गैर जी। अमित जी, कांग्रेस ने कहा है कि वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को रिस्टोर करेगी अपने मैनिफेस्टो में। देखिए कांग्रेस पार्टी शुरुआत से एपीसमेंट की पॉलिटिक्स कर अपना बचा खुचा जनाधार संभालना चाहती है, बचाना चाहती है, समेटना चाहती है। पर्सनल लॉ हमारी संविधान सभा ने देश के विधानमंडलों और देश की संसद को आदेश किया था कि जब भी अनुकूलता खड़ी हो इस देश में यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए। संविधान सभा में ज्यादातर सदस्य कांग्रेस के ही थे, वहीं यह निर्णय हुआ था, क्योंकि किसी भी पंथ निरपेक्ष देश के लिए धर्म के आधार पर कानून ठीक नहीं। फिर भी आज ये जानते हुए भी संविधान के स्पिरिट से बिल्कुल उल्टा कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में पर्सनल लॉ को लाने की बात करी है। भारतीय जनता पार्टी इसकी निंदा करती है। हमने हमारे घोषणा पत्र में कहा है कि हमें प्रयास करेंगे कि पूरे देश भर में यूसीसी लागू किया जाए और हर धर्म के नागरिकों के लिए इस देश में एक ही कानून हो। नारा लगा रहे हैं